देखो बच्चों, एक प्रश्न लिखा है नंबर देखा, संलग्न ग्राफ से मालूम करें कि विद्यार्थियों सी तथा डी द्वारा मिलकर विद्यार्थियों ए बी तथा ई से कितने अधिक प्रश्न हल किए। मतलब ये देखें कि ये विद्यार्थी सी है और डी है और तीन विद्यार्थी और ए बी ई जिनका ग्राफ बना हुआ है। ए ने किए 4, बी ने किए 8, सी ने किए 14, डी ने किए 10 और ई ने किए 8। सबसे ज्यादा प्रश्न किए हैं, चित्र में यही पूछ सकते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न कितने हल किए, सी ने। सबसे कम किसने किए, ए ने, यही पूछ सकते हैं। सी और ए के प्रश्नों के अंतर बताओ, तो कैसे निकालोगे, इसमें से इसको घटा दो। देखिए आप ये प्रश्न देखो, सी और डी के, सी व डी के द्वारा हल प्रश्न कितने किए हैं। चित्र से देखो, सी ने कितने किए 14 और डी ने कितने किए 10। चित्र में दिख गया होगा जी 10, कितने हो गए 14। अब ए प्लस बी प्लस ई देखो, ए ने कितने किए 4, कितने किए 4, बी ने कितने किए 8, ई ने कितने किए 8, जोड़ो कितने हो गए 20। अब कह रहे हैं इन तीनों से कितने अधिक हल कर सकी, किसने, सी और डी ने। तो देखो 24 में से 20 घटा दो, कितने प्रश्न ज्यादा किए, 4 अधिक। दो बच्चे यानी इतने होशियार थे जिन्होंने यानी 4 अधिक कर लिए तीन बच्चों से, शायद की वैल्यू